हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। और आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ फूजी फिल्म के इंस्टेंट कैमरे के बारे में। और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा लगा। अगर आप इससे फोटो खींचते हो तो आपको इंस्टेंटली एक प्रिंटआउट मिल जाएगा फोटो का, जिसके नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मतलब मेमरीज कैप्चर करनी हो तो बहुत ही फन कैमरा ये होने वाला है। तो जल्दी से इसका बॉक्स देखते हैं और जानते हैं बॉक्स में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो इसके साथ मैंने कार्ट्रिज भी ऑर्डर करी है, अभी के लिए इसको साइड में रख देते हैं। और मैंने अमेजोन से मंगाया, और स्ट्रेंज बात तो ये है कि हमें पूरा बॉक्स नीचे से खुला हुआ मिलता है। मेरे को बहुत अजीब बात लगी, होपफुली ये कैमरा वर्क करे, बट ये है कि देखते हैं कि हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। मैंने ये जो कैमरा ऑर्डर किया है ना, ये इस वाले कलर में किया है, काफ़ी हल्का यार कैमरा। तो ये इसमें और भी बहुत सारे कलर अवेलेबल है, बट मेरे को ये काफ़ी अलग सा कलर लगा, तो मेरे को लगा चलो इसी में ऑर्डर करते हैं। बाकी भाई सीरियसली पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, बट हल्का काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे मतलब कैमरे देखने की आदत नहीं रही। और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है, इसको रखते हैं साइड में। साथ में हमें एक अटैचमेंट देखने को मिलती है इस कैमरे के। अगर आपको थोड़ी सी जूम्ड फोटोज़ लेनी हो तो भाई आप इससे खींच सकते हो। तो इसको लगाकर देखते हैं भाई कैसे लगता है ये। तो होपफुली ये ऐसे कनेक्ट होता होगा। तो अब पहले तो ऑन करना हो तो ये ऐसे है, और ये थोड़ा सा जूम फोटोज़ लेनी हो तो इसके ऊपर ये ऐसे आ जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे लगाना है, बाद में देखते हैं। तो ये भी एक अच्छी अटैचमेंट है, कैमरे के साथ एक फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है, तो ये बहुत कमाल बात है। और साथ में हमें ये स्ट्रैप देखने को मिल जाती है, जो कि कैमरे को थोड़ा बहुत होल्ड करने में ईजी रहेगा। इसको रखते हैं साइड में और थोड़ा बहुत फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया भाई, ये पूरी प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, जो कि गलत बात है। और ये हमारा पावर बटन, आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरा लेंस ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब भाई ये ऑन हो चुका है। अभी के लिए इसको नीचे करते हैं। और यहाँ पर हमें बहुत सारे डायल देखने को मिल जाते हैं, और जैसे ही आप कैमरा ऑन करोगे ना, तो आपको इनको स्विच करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपकी लाइटिंग कंडीशन कैसी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी सनलाइट में फोटो खींच रहे हो तो आपको यहाँ पर इस डायल को मूव करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल सनलाइट पर खींच रहे हो तो यहाँ पर, ऐसे ही इनडोर खींच रहे हो तो यहाँ पर। इन शॉर्ट ये एपर्चर का काम करता है, जितना छोटा एपर्चर जैसे ब्राइट लाइट होगी सनलाइट के अंदर, अगर आपने ये डायल को स्विच नहीं किया तो बहुत ही ब्राइट फोटो आ जाएगी और कलर्स काफ़ी फेडेड होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये फ्लैश है, और ये जो है यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो कि भाई सामने क्या फोटो खींच रही है, तो यहाँ से ऑब्वियसली भाई ये मिरर का काम कर रहा होगा। और ये शटर बटन है, यहाँ से आपकी फ़ोटोज़ खींचेंगी, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ पर हमें ये वो मिल जाता है स्ट्रैप को बांधने के लिए, तो ये भी अच्छी बात है। और इस साइड में आपको बैटरीज लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैं बैटरीज लगाता हूँ। और अगर आपको तो यार वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक बटन मिलेगा, उसको ज़ोर से क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि ऐसी ऐसी अनबॉक्सिंग आती रहती है। ये मैंने लगा दी बैटरीज़, और बॉक्स के अंदर ही हमें बैटरीज देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी बात है, डबल ए बैटरीज है। और यहाँ से अब दोबारा से पावर बटन को ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है कैमरा, और यहाँ पर लाइट जल जाती है, तो इसका मतलब ये कैमरा ऑन हो चुका है। और जैसे कि इसने डिटेक्ट कर लिया कि लाइटिंग कंडीशन इंडोर है, हम इंडोर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको डायल यहाँ पर स्विच करना चाहिए। बाकी हम वैसे भी स्विच कर सकते हैं डायल को, बट अभी के लिए इसको इंडोर पर रखते हैं और एक फ़ोटो लेके देखते हैं। बट उससे पहले हमें जो है इसकी कार्ट्रिज को अनबॉक्स करना पड़ेगा। कैमरे को रखते हैं साइड में। अब कार्ट्रिज की बात करूँ तो मैं एक पैकेट निकाल लेता हूँ। चलो अब इस कार्ट्रिज को अनबॉक्स करते हैं, और इसमें से एक निकाल के कैमरे के अंदर फिट करते हैं। तो ये ऐसा पूरा एक ब्लैक सी ब्रिक हमें देखने को मिलती है, और ये कैमरे के अंदर फिट हो जाती है। तो यहाँ से हमें इसको खोलना है, और हम यहाँ पर इसमें कार्ट्रिज डाल सकते हैं। तो नॉर्मली हमें इसको यहाँ पर बस रखना होता है, और ये कार्ट्रिज आराम से डल जाती है। और ये ऑब्वियसली इन दोनों कलर्स को तो मैच करना ही करना होता है। तो जस्ट इसको मैंने प्रेस किया और ये पूरी कार्ट्रिज अच्छे से लग चुकी है। अब हम इस कैमरे से फोटोज़ खींच सकते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको सेल्फी लेनी है तो यहाँ पर हमें मिरर देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ पर अपने कैमरे एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई ये भी काफ़ी स्मार्ट था। अब कैमरे को करते हैं ऑन, और सबसे पहली फ़ोटो मैं खींच कर देखता हूँ। और ऑन करने के लिए पावर बटन दबाया, और जो डायल है उसको स्विच कर दिया इनडोर पर। हाँ, इनडोर पर ही है ये। और एक क्या कहते हैं, मैं कैमरे इसमें मिरर के अंदर देखकर और सेल्फी अच्छे से मैं खींचने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली सेल्फी आप लोगों के सामने मैं खींच रहा हूँ। तो 1 2 3, तो बाहर आ गया भाई ये, देखते कि कैसे आई है। अच्छा, सबसे पहले वाली जो है पूरी ब्लैक फिल्म होती है, क्योंकि ये एक टेस्ट के लिए होती है कि मतलब कैमरा चल रहा है, कार्ट्रिज चल रही है फिर नहीं। तो इसको रखते हैं अभी के लिए साइड में, और एक और आप लोगों के सामने मैं फोटो लेता हूँ। तो 1 2 3, तो अब फाइनली फोटो निकल कर आएगी, ये पूरी वाइट आएगी। इसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, और आप लोगों को मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा कि भाई कितनी जल्दी ये डेवलप होती है। तो इसको रख देते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर।
तो ये फोटो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है और मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छी आई है। और इसके ऊपर अब कुछ लिख भी देते हैं, मेरे पास पेन यहाँ पर है, तो इसके ऊपर लिखते हैं टेक बार स्टूडियो। तो हाँ लिखा जा रहा है, बट ये कि अगर मार्कर होता ना तो काफ़ी अच्छा लिखा जाता, अभी काफ़ी लाइट लिखा जा रहा है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैंने लिख दिया इसके ऊपर, और मेरे अकॉर्डिंग यार फोटो तो काफ़ी अच्छी आई है, नो डाउट यार फोटो जो है काफ़ी अच्छी है। बट ये कि एक मिनट पूरा लग गया इसको डेवलप होने के लिए और अभी और भी बेटर होती जा रही है ये, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी। बाकी मैंने एक और फोटो खींची है इसके साथ और वो पूरी की पूरी डेवलप हो गई है, आप देख सकते हैं कि भाई फोटोज़ जो है बहुत ही सही लग रही है मेरे को। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अगर आप मेमोरीज को कैप्चर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा है और बहुत फन है। मैं जानता हूँ भाई डिजिटल ज़माना, हर कोई बंदा जो अपनी फोटोज़ क्लाउड पर रखता है, काफ़ी सारे स्टोरेज के ऑप्शन है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, बट ट्रस्ट मी यार मेरी बहुत सारी अराउंड 6 साल की मेमोरीज़ गायब हो गई, मेरी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई। तब मैंने सोचा यार ये जो फोटोज़ होती है ना, जो पूरी प्रिंटआउट वाली फोटोज़ होती है, ये हमेशा हम लोगों के पास रहती है, क्योंकि मेरी जितनी बचपन की फोटोज़ थी वो ऐसी मैनुअल कैमरा से थी जिनमें हम फोटोज़ डेवलप करवाते थे, वो सारी फोटोज़ आराम से बिल्कुल सेफ मेरे पास है। तो इसलिए मेरे को कंसेप्ट समझ आया कि भाई ये जो फोटोज़ का निकालने का होता है ना, ये काफ़ी अच्छा रहता है और मेमोरीज़ आप आराम से कैप्चर कर सकते हो और उनके नीचे लिख भी सकते हो। तो होपफुली यार आप लोग को मज़ा आया होगा इस कैमरे की अनबॉक्सिंग देखने में। अगर आप खरीदना चाहते हो तो भाई अमेज़ॉन पर अवेलेबल है फूजी फिल्म कैमरा, लिख सकते हो आप। और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन मिलेगा उसको ज़ोर से क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग को ज्वाइन कर हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, thanks for watching.